क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। गेम ऑफ क्रिकेट में आपको सबसे पहले मिलेंगी क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत अपने शॉट चयन को लेकर आलोचकों के निशाने पर है। अफ्रीका के खिलाफ भी मोहाली T20 में पंत ऐसी ही गेंद पर अपना विकेट गंवाकर चलते बने जिसे वो कहीं भी खेल सकते थे। दिग्गज धोनी की जगह टीम में बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज शामिल किए गए पंत क्रीज पर जमने के बाद अपना विकेट विरोधी टीम को गिफ्ट दे देते हैं और विरोधी टीम को गिफ्ट देने वाले खिलाड़ी के तौर पर ही वो अपनी पहचान भी बनाते जा रहे हैं। अब मुख्य चयनकर्ता MSK प्रसाद के ताजा बयान ने भी ऋषभ पंत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रसाद ने पंत के भविष्य को लेकर दो टूक कह दी है। MSK प्रसाद ने एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने पंत के प्रदर्शन को लेकर काफी कुछ कहा। प्रसाद ने कहा, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। हमारे पास ना तो विकेट कीपर बल्लेबाज की कमी है और ना ही पंत को टीम में बनाए रखने की कोई मजबूरी। हमने पंत को परिपक्व क्रिकेट बनाने के लिए भरपूर मौके दिए। तीनों फॉर्मेट की जिम्मेदारी उनको सौंप दी ताकि वो हर परिस्थिति के साथ खेल को आगे बढ़ा सके। लेकिन शायद हम गलत थे। शायद ज्यादा वर्कलोड की वजह से पंत मैच्योर गेम नहीं खेल पा रहे हैं और इसीलिए अब हम पंत की जगह और खिलाड़ियों को मौका देने का पूरा मन बना चुके हैं। प्रसाद ने कहा, हमारे पास KS भरत है जिन्होंने इंडिया ए के लिए लंबे प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन किया। लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में हमारे पास ईशान किशन और संजू सैमसन हैं, जो कि लगातार अच्छा खेल दिखा रहे हैं। प्रसाद ने साफ किया कि कोच, कप्तान और बैटिंग कोच से हमें लगातार पंत को लेकर शिकायतें मिल रही हैं और अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। अगर आने वाले दिनों में पंत का लापरवाह क्रिकेट बरकरार रहा तो हम आगे बढ़ना पसंद करेंगे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।